फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 12 इज द इलेक्ट्रिसिटी। इट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हम सबको पता है, हमारे घरों में, होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, किस किस से मिलके बनती है, व्हाट डज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट में कैसे वो फ्लो करती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हम जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन क्वेश्चन अराइज, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? हम कहते हैं फ्लो ऑफ करंट। भाई करंट का अगर किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर यू नो मेटल्स, यू नो मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आउट हो रहा है तो हम आसानी से कहते हैं कि दिस इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे कि भाई वाटर है, आपने देखा है पानी को बहते हुए रिवर्स में एक फ्लो होता है, इसी टाइप से इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में फ्लो करता है। यस, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो ना, जब दो चीज़ों को या दो थिंग्स आपस में रब किया जाता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। कैसे, हमने छोटे सा एग्जांपल भी किया था शब, आपको शायद आपके टीचर्स ने भी बताया होगा। जैसे अगर हम कॉम्ब लेते हैं, बालों में कॉम्ब करते हैं, फिर छोटे से पेपर के पास लेके जाओ तो वो उसे पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, मीन उनमें कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। लाइक दैट इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, चलो तो भाई ये तो ये हो गया। ओके, चलिए उसके बाद हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। भाई इलेक्ट्रिक करंट तो समझ लिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, दो थिंग्स को रब करने पर प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नो इलेक्ट्रॉन, हर एक जो थिंग है, सारी चीज़ें क्या है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी, सॉरी छोटे छोटे एटम से मिलके बनी है। अपने पता है ना लास्ट टाइम एटम्स में तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा किसी भी एटम के सेंटर में पाए जाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो आउट कर सकते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो आउट के कारण किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आउट होती है। इज इट क्लियर? चलिए अब है सर्किट क्या है, कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिक करंट जिस कंडक्टर में फ्लो आउट हो रहा है उसका कंटीन्यूअस लगातार क्लोज पाथ, मीन क्लोज होना चाहिए, क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लियर? चलिए भाई इलेक्ट्रिक सर्किट, द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट कहीं से भी ब्रोक हो जाता है तो इलेक्ट्रिक का करंट क्या है, फ्लो आउट नहीं हो पाता। चलिए भाई अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सोचते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हम इसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब कि 1 सेकेंड में, किसी भी 1 मीटर स्क्वायर एरिए में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ओके, पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज, भाई चार्ज टू टाइप के, हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमें मानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज किसी भी कंडक्टर में, जो पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो आउट हो रहा है, इट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट की डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, अपोज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक करंट का अगर डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन यू नो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ क्लियर? चलिए भाई फर्स्ट पार्ट इज कम्प्लीट, सेकेंड पार्ट में है हम करंट कैसे निकाल सकते हैं। हमें मानते हैं अगर क्यू चार्ज है, हम मान लेते हैं जैसे क्यू चार्ज किसी भी कंडक्टर के टी टाइम तक फ्लो आउट होता है, इसमें एरिया को पोजीशन नहीं दी जाती है, सिर्फ चार्ज, अगर क्यू चार्ज टी टाइम के लिए किसी कंडक्टर में फ्लो आउट होता है देन करंट को हम मानते आए, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मीन टी टाइम में जितना क्यू चार्ज फ्लो आउट हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, दिस इज कॉल्ड द आई, मीन ये कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर दैट? इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू
को कूलाम में डिनोट करते हैं, जो कि कितने 6 × 10 × 8 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज के बराबर होता है। ओके, देन आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। इलेक्ट्रिक करंट, यस, को एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो कि नाम दिया गया था फ्रेंच साइंटिस्ट जिसे कहते हैं एंड्रे मैरी एम्पियर, एम्पियर के द्वारा दिया गया था। दिस क्लियर? देन 1 एम्पियर क्यू अपॉन टी 1 कूलाम / 1 सेकेंड के बराबर होता है। मिली एम्पियर हो तो 10⁻³ एम्पियर, म्यू एम्पियर हो तो 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। करंट, किसी भी सर्किट में करंट को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड अमीटर। दिस इज कॉल्ड अमीटर, जिसे हमेशा किसी भी सर्किट में किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज और पैरेलल मैं आपको आगे सिखाऊंगी, पर यू नो दैट आपको ध्यान रखना है सीरीज फॉर्म में जोड़ा जाता है। सीरीज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के मिडिल में जोड़ा जाता है। ओके, क्लियर? चलिए भाई आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे के बेस पे आप इसे करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है, चलो भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आउट हो रहा है कंडक्टर के अंदर, पर फ्लो आउट होने के लिए कुछ तो ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो आउट कर रहा है, कुछ तो ऐसा फिनोमिना है जिसे करंट पास आउट हो रहा है। यस, हमने पानी का पहले एग्जांपल लिया था, वाटर कैसे फ्लो आउट होता है। भाई वाटर अगर कैसे फ्लो आउट हो रहा है, दो पार्ट हैं जहाँ पे करंट फ्लो, वाटर फ्लो आउट हो रहा है, तो मीन एक जगह पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, भाई यहाँ अगर वाटर है और यहाँ पर कम है तभी तो वाटर इस ओर फ्लो आउट होगा। अदरवाइज तो अगर दोनों इक्वल हैं प्रेशर तो कोई भी फ्लोइंग नहीं होगी, पानी नहीं बहेगा, स्टेबल रहेगा, राइट? मीन दोनों के प्रेशर में चेंजेस होने चाहिए, जहाँ वो हमेशा ज़्यादा से कम प्रेशर की ओर फ्लो आउट होता है, राइट ना? सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी है। चलिए क्या होता है, लेट अस कंसीडर द एनालॉजी फ्लो ऑफ वाटर। चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ जस्ट एंड वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट। अब हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखेंगे, किसी भी पानी को हॉरिजॉन्टल ट्यूब में रखेंगे तो फ्लो आउट नहीं होगा। वन एंड ऑफ द ट्यूब कनेक्टेड टू अ टैंक, एक एंड को अगर टैंक से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो पानी दूसरे फ्लो आउट हुआ। ऐसे ही किसी भी कंडक्टर में दो पार्ट्स के बीच या दो भागों के बीच किसमें प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आउट होगा। सच दैट हम एक वायर स्टार्ट करते हैं तो हम एक साइड से इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पर होता है कम, तभी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आउट होता है। दैट्स नो द इलेक्ट्रो, ओके, ये वन एंड ऑफ द ट्यूब टू कनेक्ट टू अ टैंक ऑफ वाटर कैप्ट हायर लेवल सच एज देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब, दोनों ट्यूब के दोनों पार्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड वाटर फ्लो वन एंड टू द अदर। सेम फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिव मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैड नो रोल टू प्ले, ग्रेविटी का कोई रोल प्ले नहीं होता चार्ज इसके फ्लो आउट होने में। इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो दूसरे पार्ट की रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो आउट होती है। ओके, इन दोनों पार्ट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक प्रेशर के बीच जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। हमें मानते हैं अगर किसी करंट को, करंट आई को, करंट एज अ वर्क डन टू अ मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट एज अ वर्क, अगर किसी चार्ज के द्वारा वर्क पूरा करने में, ठीक है, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने पे जो वर्क किया जाता है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू चार्ज को यूनिट एरिया में मूव करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, जैसे वी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इज द वर्क एंड क्यू अपॉन चार्ज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं और इसे एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसको नेम दिया था, जो कि एक इटालियन फिजिस्ट थे। ओके, देन नाउ इसे मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ओके, एंड यहाँ याद रखिएगा वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल फॉर्म में लगाया जाता है, किसमें, सर्किट के अंदर। ओके, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं एंड द लास्ट टॉपिक हम करेंगे इसका सर्किट का डायग्राम। आप 7 से पढ़ते आए हो, इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एक तो बड़ा
इसमें दो लाइंस होती हैं, वन इज़ बिग वन इज़ शॉर्ट, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बड़ी वाली पॉजिटिव सेकेंड वाली नेगेटिव। ओके, बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है। कैसे किया जाता है? फर्स्ट सेल के नेगेटिव को दूसरी सेल के पॉजिटिव से, दूसरी के नेगेटिव को थर्ड के पॉजिटिव से, स्टेप से इनको कनेक्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड बैटरी। प्लग की ओपन, ओपन की दिस एंड, देन स्विच क्लोज्ड, प्लग की और स्विच क्लोज, क्लोज है तो इस टाइप से दिखाते हैं। वायर का अगर जॉइंट है इस टाइप से दिखाया जाता है। ये मतलब हम जब सर्किट तैयार करते हैं ना, उस टाइम उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, विदाउट जॉइनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इस टाइप से दिखाते, भाई ये तो हम पर्टिकुलर नहीं बना पाते तो हम इस टाइप से दिखाते हैं। देन रजिस्टर्स आप पढ़ेंगे अभी आगे, वेरिएबल रजिस्टर्स को इस टाइप से क्रॉस लाइन बना के, जिगजैग लाइन बना के एरो के द्वारा, एमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्ट मीटर को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर दैट? चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।